शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में शनिवार की सुबह के वक्त पुलिस टीम का दुर्दांत अंतर्राज्यीय नलवा खरवार गैंग से मुठभेड़ हो गई। गैंग के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। अपराधियों के कब्जे से असलहे और डकैती करने के अन्य उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक यमुना पार सौरभ दीक्षित ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि डकैती की योजना बनाते हुए नलवा खरवार गैंग से जुड़े सहयोगी यहां मौजूद है। इस पर पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर बदमाशों को आत्मसमर्पण के लिए कहा। इस पर बदमाशों ने पुलिस बल पर फायर झोंका। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई। इस कार्रवाई में पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 9 डकैत को गिरफ्तार किया है। देखिए, माह मई में एक नबला खरवार गैंग के कुछ सदस्य पूर्व में गिरफ्तार करके जेल भेजे गए थे थरवई हत्याकांड में। उसी क्रम में जो स्थानीय पुलिस की टीमें हैं वो लगातार सर्च ऑपरेशंस करती रहती हैं और रात में हमारी एक्टिविटी बनी रहती है रेलवे स्टेशनों के पास में और जो भी सुनसान इलाके हैं उनके पास में कि किसी भी प्रकार के ऐसा गैंग जो कि नबला खरवार से संबंधित है या उससे ताल्लुकात रखता है वो पुनः यहाँ पर एक्टिव ना हो। और कल देर रात UP-MP बॉर्डर पे थाना शंकरगढ़ पुलिस द्वारा ये सूचना उन्हें प्राप्त हुई थी कि एक 9 लोगों का गिरोह जो कि नबला खरवार गैंग के ही सदस्य हैं वो लोग टंडन वन में छुपे हुए हैं और वहाँ से कोई अप्रिय घटना की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस की 3 टीमें मौके पर पहुँची और पुलिस को पार्टी को अपनी तरफ आता हुआ देखते ही तत्काल इस गैंग के 2 सदस्यों ने अपने अवैध असलहों से पुलिस पर फायर कर दिया और वहाँ से भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम द्वारा बिना समय गवाए और बहुत ही टैक्टफुली इन सभी लोगों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया जिसमें 8 अभियुक्त बालिग हैं तथा 1 बालअपचारी को गिरफ्तार किया गया है। आज इन्हें अरेस्ट करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इनके पास से कुल 2 अवैध असलहे, 3 जिंदा कारतूस तथा डकैती चोरी करने में उपयुक्त होने वाले हथौड़े सब्बल इत्यादि भी बरामद किए गए हैं। इन सभी लोगों ने अपना जो ताल्लुकात हैं वो नबला खरवार से होना बताया है और इसी प्रकार से सर्च ऑपरेशंस आगे भी जारी रहेंगे जिससे कि इस प्रकार के गिरोह जो प्रयागराज में फिर से एक्टिवेट ना होने पाए। अब तक कितने लोग पकड़े गए? आज के पहले इसमें कुल 31 लोग गिरफ्तार करके न्याय अभिरक्षा में भेजे जा चुके हैं। SP ने बताया कि नबला खरवार गैंग मूलतः बिहार के औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर और भोजपुर जिलों से ताल्लुक रखता है, परंतु पिछले 5-6 सालों से नबला गैंग उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के चुनार और प्रयागराज के फाफामऊ तक फैल गया। धीरे धीरे यह गैंग प्रतापगढ़ के रानीगंज, लालगंज होते हुए रायबरेली और बाराबंकी जिलों तक अपने पांव पसारता जा रहा था। इसी नलवा गैंग का एक सहयोगी धरना 2-3 दिन पहले रायबरेली में पकड़ा गया था। ट्रेकी करने के बाद ये बदमाश डकैती, हत्या, सामूहिक बलात्कार और आगजनी जैसी विभत्स घटनाओं को अंजाम देते हैं। पुलिस की मुस्तैदी और हिकमत अमली से सनसनीखेज घटना होने से बचा लिया गया। गिरफ्तार दुर्दांत गैंग के सहयोगी सदस्यों से गहनता से पूछताछ जारी, जल्द ही अग्रेतर विवरण से अवगत कराया जाएगा।